दो चार और तेरह प्रस्तुत करते हैं ऑन द रोड। गुनाह जुर्म क्राइम क्या होते हैं, कौन और कैसे होते हैं वो लोग जिन्हें हम गुनहगार या क्रिमिनल कहते हैं, क्या फर्क होता है उनमें और एक आम आदमी में, क्या वो भी आप ही की तरह एक आम इंसान होते हैं जिनको उनके हालात ने क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया होता है, या उनकी सोच उनके ख्यालात उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है कि वो उन्हें गुनाह करने के लिए उकसाती है। जवाब ढूंढती है ये मेरी कहानी, जेलर जहांगीर अहमद की कहानी। हमारा तो जी बिल्कुल सही कहा सर, इनसे मिलिए।
ये है हमारे साहबजादे बामरा, ये भी हमारे साथ आज के जश्न में शरीक होने आए हैं। जहांगीर जी, आपके साहबजादे का भी गंभीर मिजाज के मालूम होते हैं। लगता है इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब यंग एज में इतना तो समझदार लोग जरा बोलते कम है ना जी। ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, आइए चलते हैं। सबसे पहले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत खुशी हुई आज यहाँ आप लोगों के बीच आकर। हालांकि हमें यहाँ बीच बीच में आते रहना चाहिए, पर समय की कमी के कारण ये संभव नहीं होता। पर अब हमने तय किया, शुरू हो गया नेताजी का भाषण। अरे इनको तो बस मौका चाहिए, मौका मिला नहीं और बस जापान 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 शुरू हो जाते हैं। लकी भैया सुन लो यार, बड़ा आदमी है, सीएम है यार। अबे सीएम हुआ तो क्या हुआ, मैं तो नेताजी, सब साले चोर होते हैं। हाँ साले, और तू तो धर्मराज दृष्टि है, पढ़ा ना चुपचाप, उल्टा चोर को तुम्हारे ना जाते है। अरे गुरुद्वार जी गुस्सा क्यों करते हैं, इधर सुनो अंदर लिखा था अब नाखून साफ करो। अरे ये भी कोई चुटकुला है, पढ़ा ना चुपचाप। वाह, एक तो चुटकुला सुनाओ ऊपर से गाली सुनो। अच्छा छोड़, ये बताया उसका क्या हुआ। उसका अरे मेरे सुट्टे का लाया। अच्छा वो लाया। अबे तुम झेल हो। अबे देखता हूँ देखता हूँ। बिना सुलगा लियो वरना मैं नौकरी से जाऊंगा। अरे जियो, अरे जियो मेरे लाला। हाँ हाँ नहीं सुलगाऊंगा, टेंशन मत ले। अरे ठीक है मैं नौकरी से जाऊंगा। मेरे चक्कर में साला बोल तो ऐसे रहा है, ऐसे मदद कर रहा हूँ मेरी। ये ले अपने 50 रुपए ज्यादा भवन का, चल चल आया खड़े हो, चल चल चल। मेरा पैकेट मुझे दे। तेरे रहते कम से कम इन सब चीजों का टेंशन नहीं होता। मेरे रहते नहीं, इस जय बहादुर सिंह के रहते। हाँ भाई, जब सैया भय कोतवाल तो डर जाएगा। तुम अपनी चट्टी से बाहर मत आ। सैया के बोला तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जेलर और हमारे दोस्त जहांगीर जी की मेहनत या फिर जिद कह लीजिए, सरकार आप लोगों के लिए ये लॉन्च बनाने को राजी तो हो गई, लेकिन अब आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसका सही उपयोग करेंगे और इसे अपने घर की तरह साफ सुथरा रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। घर की तरह साफ सुथरा रखना, अपना घर भी साफ रखते होंगे क्या? फालतू में कैदियों के बीच गला फटना पड़ गया, कोई फायदा नहीं यहाँ इतना चिल्लाने से। कोई सुन तो।